आज के कार्यक्रम में जानेंगे तिथि क्या होती है, तिथियों का निर्धारण कैसे होता है और उनके स्वामी कौन कौन से हैं। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पादक क्षेण शुद्धयति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आज हम तिथि को जानेंगे क्योंकि जब हम भारतीय ज्योतिष परंपरा में बढ़ते हैं जैसे जैसे उसका जो एक सिद्धांत जो है वो तिथि को फॉलो करता है, सिद्धांत जो गणित है वो तिथि के अनुरूप चलता है। आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का जो कार्यक्रम होगा वो तिथि और किस तरह से तिथि में परिवर्तन होता है, मुख्यतः हम ये जानेंगे कि किस तरह से तिथि में बदलाव होता है, प्रथमा के बाद द्वितीया ये आदि आदि करके, और उसके बाद कार्यक्रम के अंत में जानेंगे कि कौन सी तिथि के स्वामी कौन है, विभिन्न तिथियों के स्वामी होते हैं तो ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ऊपर जो मैंने मंत्र अभी बोला है उसका मतलब बड़ा अजीब है और वो आज के जीवन काल में, आजकल का जो हमारा दैनादिक जीवन जी रहे हैं हम जिस तरह से, उसमें उसका महत्व तो और बढ़ जाता है। कारण क्या है बताते हैं। आजकल की जो हमारी कला है जीने की जीवन को, वो थोड़ी अजीब हो गई है। हम रात्रिचर हो गए हैं। रात्रिचर होने का मतलब ये होता है दिन में भी काम करते हैं, काम का दबाव ऐसा होता है कि दिन में भी काम करते हैं और रात्रि में भी जगते हैं। ये हिंसात्मक जो प्रवृत्ति हम लोगों ने अपना रखी है उसमें एक दूसरे को प्रायः पीछे छोड़ने के लिए रात भर जागना पड़ता है और उसमें हमारा जो है हम लेट नाइट तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे सूर्य हमारे धरा पे आते हैं, इस धरती पे उनका आगमन होता है, हालांकि वो न तो कभी आते हैं और न कभी जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी रोशनी हमारी पृथ्वी को उजाला देती है उनका हमें स्वागत करना चाहिए। वो अतिथि है भाई, अगर हम उनका स्वागत नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे हमसे। और सूर्य जो है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य हमारे पिता का कारक होता है, सूर्य हमारे आत्मा का कारक होता है, सूर्य हमारे आत्मविश्वास का कारक होता है, सूर्य हमारे प्रमोशन का कारक होता है, सूर्य हमारे रक्त का कारक होता है, हड्डियों का कारक होता है। अगर हम उनका स्वागत नहीं करेंगे, अगर उनका अनादर करेंगे तो ये सभी चीजों से हम वंचित हो जाएंगे। और आप कई बार ऐसे कई लोगों को सुनते हुए देखे, ऐसा कई बार आपने सुना होगा कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, बीपी की समस्या है, मेरे पिताजी की आयु जो है वो क्षीण होती जा रही है, मेरा काम में मन नहीं लगता है, जितना काम करता हूं उतना क्रेडिट नहीं मिलता है, बीपी की समस्या हो रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खराब, हमारे बुरे दैनिक कर्मों के हिसाब से उस पे वो प्रभावित करते हैं। तो अगर हम सूर्य का स्वागत करेंगे तो इन सभी चीजों पे असर कम होगा और उनका आदर करना चाहिए। वो कभी हमें हमेशा एक नियत समय पे हमें रोशनी देते हैं और हम कैसे हैं कि सोए रहते हैं। कितना भी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा याद रखिए सूर्योदय से पहले जगिए। सूर्योदय से पहले जगने का मतलब होता है आपका दिन बेहतर बीतने वाला है, आपके अंदर असीमित ऊर्जा हो जाएगी और आप नए उमंग के साथ अपने जीवन का स्वागत करेंगे। ये तो रही अलग बात है। अब आते हैं अपने विषय पे। विषय में मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, हम जिस जीवन में अभी जी रहे हैं, आज के आधुनिक जीवन में कोई तिथि नहीं जानता है, सिर्फ हम तारीख जानते हैं, सिर्फ हम डेट जानते हैं। मैं भी इसी समय का हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्योंकि ये हमारी बौद्धिक परंपरा है, इसे भूलना नहीं चाहिए। तिथियों का निर्धारण कैसे होता है ये भी जानेंगे, चंद्रमा के कलाओं में किस तरह से परिवर्तन होता है ये भी जानेंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है तिथि और मिति। एक्चुअल में देखें तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, तिथि और मिति, कहीं कहीं तिथि को मिति भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तिथि होती है जो वो चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से बदलती रहती है। अब आते हैं उसके नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया है छोटा सा आपको समझाने के लिए,
और समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि मैंने ये जो नीचे ऑर्बिट बनाया है, ये नीचे वाला, ये चंद्रमा को मैंने प्रदर्शित किया है, ये चंद्रमा का पथ मैंने निरूपित किया है, और उसके जस्ट बाहर वाला जो परवलयाकार पथ बनाया है, ये सूर्य को है, ये मैंने उनको चमकते हुए दिखाया है। तो जब भी सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं तो आप लोग तो ये जानते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होंगे तो अमावस्या होता है, मतलब सूर्य जो है वो चंद्रमा को ढक लेता है, ठीक है। और चूंकि क्या होता है कि चंद्रमा की गति तीव्र होती है, चंद्रमा तीव्र गति से आगे बढ़ता है, और ये अपने पथ को जैसे 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 यहां से मान लीजिए ये चंद्रमा चलना शुरू किया, अगर हम ये मान लेते हैं कि सूर्य यहां रहा और ये उसके एकदम बिल्कुल सामने रहा चंद्रमा, तो अमावस्या हो गया, और जैसे जैसे चंद्रमा की चूंकि गति तेज होती है तो वो जल्दी जल्दी चलता है, तो जैसे ही वो 12 अंश आगे बढ़ता है, 12 कला आगे बढ़ता है, अंश मतलब 12 कला जैसे ही वो आगे बढ़ता है, 12 अंश जैसे ही आगे बढ़ता है, वो एक तिथि को भोग चुका होता है, मतलब वो एक तिथि पार कर चुका होता है, ठीक है। और ऐसे ही करते करते वो 15 दिन में 15वें दिन जब आता है तो 12 और गुणा 15 जैसे ही होता है तो 180, यानी कि 180 में हो जाता है कि ये अपने उस संपूर्ण काल को परिक्रमण उसका कर लेता है, मतलब वो उस तिथि को पार कर जाता है। जैसे पहले दिन वो 12 कला घुमा, फिर अगले दिन जैसे ही 12 कला वो उस दिन पार किया तो एक तिथि मतलब प्रतिपदा हो गई, उसके बाद जैसे ही अगले में प्रवेश किया तो द्वितीया हो गई, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, क्योंकि हमने शुरुआत की थी अमावस्या से, ठीक है। और फिर मतलब पूर्णिमा में यह हो जाता है कि चंद्रमा जब भी आकाश में दिखेगा पूरा दिखेगा। अब हम ये जानते हैं कि प्रायः हमने देखा होगा हमारे बुजुर्ग जो थे पहले के, वो जब उनके पास घड़ियां नहीं होती थी तो आकाश में चंद्रमा को देख करके, उसके कला को देख करके तिथियों का निर्धारण कर लेते थे या पता लगा लेते थे। तो यही होता था, वो देखते थे कि चंद्रमा कितना विकसित है और उसके विकसित होने के अभाव, मतलब विकसित जैसे वो होता था, जितना उसका आकार होता था उसके आधार पे वो तिथियों का निर्धारण कर लेते थे। ये तो सामान्य सी बात है, आजकल के हम लोग भी जानते हैं कि जैसे चंद्रमा पूरा फुल मून होता है तो पूर्णिमा होता है, और जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उस दिन अमावस्या होती है, ठीक है। तो हमारा जो कैलेंडर है, एक्चुअल में जो भारतीय जो कैलेंडर पद्धति है, वो 31 तारीख का भी होता है, 30 तारीख का भी होता है, और फरवरी जो है वो कभी कभी 28 भी होती है और 4 साल के बाद 29 भी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है, ये तो रही भारतीय कैलेंडर पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करती है, लेकिन चूंकि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, यहां पे तिथि जो है या माह जो है वो हमेशा 30 ही दिन का होता है, न तो 31 होगा और न 29 होगा। तो ये जो है क्रमशः जो चीजें हैं वो कैसे डिपेंड करती हैं, हमारी चंद्रमा की कलाओं पे। आज मैं सिर्फ आपको चंद्रमा को बता रहा हूं कि वो कैसे अपनी यात्रा शुरू करता है, और उसकी शुरुआत हमने अमावस्या से की है। मतलब ये कि मान लीजिए कि यहां चंद्रमा है और यहीं पे सूर्य भी है, और चंद्रमा चूंकि तेज चलता है सूर्य से तो वो आगे बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी वो क्रमशः आगे बढ़ते जाता है, और 12 अंशों के आधार पे वो तिथियों को छोड़ते जाता है। 12 अंश चला मतलब 12 कला हुआ, एक तिथि को छोड़ दिया, दूसरा 12 कला पूरा हुआ, दूसरी तिथि बीत गई, तीसरा 12 कला हुआ, चौथी तिथि बीत गई, तो इस तरह से जो है वो पूर्णिमा तक घूम जाता है। पूर्णिमा जब होती है उस दिन फुल मून होता है, मतलब पूर्ण चंद्रमा जो है उस दिन पूरे आभा मंडल के साथ चमकता है। अब उसका प्रभाव कैसे होता है, आप लोगों में से कई लोगों ने शायद एहसास नहीं किया होगा, लेकिन इस चंद्रमा के पूर्णिमा, चंद्रमा के अमावस्या और चंद्रमा के द्वितीया का, द्वितीया से लेके प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक या पूर्णिमा तक, हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक बच्चे के ऊपर उसकी रोशनी का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आपको सीधे तौर पे कहूं तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो जैसे जैसे पूर्णिमा,
बदले पूर्णिमा आएगी उसके हिसाब से आपका मन थोड़ा बेचैन सा रहेगा, ठीक है। और जैसे आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, बहुत बेहतरीन पोजीशन में है, अच्छे आभा के साथ है, तो जैसे जैसे आप पूर्णिमा की तरफ जाएंगे आपका मन प्रसन्नचित होता जाएगा और आप खुश रहना जो है वो मतलब खुश रहने लगते हैं, जैसे जैसे आपके तिथि की शुरुआत मतलब शुरुआत से लेके पूर्णिमा तक जाते हैं। तो इसका प्रभाव मानव जगत पे पड़ता है और यही कारण है कि जो लोग विक्षिप्तता के शिकार हो जाते हैं, पागलपन के शिकार हो जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं चंद्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बहुत ज्यादा चंद्रमा खराब है आपका मन खराब रहेगा। अगर चंद्रमा पापक ग्रह के साथ संयुक्त होकर बैठा है या फिर पापक ग्रह के प्रभाव में है या फिर या स्वयं वो पापक ग्रह बन बैठा है तो फिर ऐसी स्थिति में जातक के मन को परेशान कर देता है या मानसिक बीमारियां देता है। आगे ये चर्चाएं हम बहुत विस्तार से करने वाले हैं जब ग्रहों के विषय में हम जानेंगे तब। फिलहाल मैं आपको सिर्फ तिथि के बारे में बता रहा हूं कि तिथियां बदलती कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि कौन सी तिथि के स्वामी कौन कौन से हैं। आगे जैसे जैसे हमारा ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन बड़ा होते जाएगा हम एक एक राशियों के स्वामी को पढ़ेंगे, एक एक नक्षत्रों के स्वामी को पढ़ेंगे, लेकिन आज जब चूंकि हम तिथि पढ़ रहे हैं तो उसलिए हमारा अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कौन सी तिथि के स्वामी कौन है। और एक चीज मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि जिस दिन, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन जो भी तिथि होती है उस तिथि के जो स्वामी होते हैं उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत गंभीरता से देखा जा सकता है। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि प्रतिपदा के दिन जिसका जन्म होगा, प्रतिपदा के जो स्वामी होते हैं, मतलब मान लीजिए आपका एकम को जन्म हुआ है या कृष्ण पक्ष के एकम को जन्म हुआ है या शुक्ल पक्ष के एकम को जन्म हुआ है, प्रतिपदा को जन्म हुआ है, तो आपके अंदर उसके जो अधिपति होते हैं वो अग्नि होते हैं और इस तत्व की अधिकता रहेगी, ठीक है। और द्वितीया के जो स्वामी होते हैं वो ब्रह्मा होते हैं, मतलब हो सकता है व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण हो, ज्ञानी बनेगा। तृतीया जो तिथि होती है उस दिन गौरी की पूजा होती है, मां पार्वती की, तो वो उसके अधिपति बन जाती हैं। चतुर्थी को गणेश की पूजा होती है, आपने देखा होगा गणेश चतुर्थियां भाद्रपद मास में मनाई जाती हैं, तो ये गणेश जी चतुर्थी के दिन जो बच्चा पैदा होगा वो भी बहुत विद्वान होता है, तो उसमें ऐसी चीजें घटित होती हैं। पंचमी के दिन शेषनाग उसके अधिपति बन जाते हैं, नाग पंचमी पंचमी को मनती है, मनाई जाती है, तो ये शेषनाग जो है पंचमी के अधिपति बन जाते हैं। खष्ठी जो है उस दिन कार्तिकीय को उनका अधिपत्य मिला है, खष्ठी तिथि के जो स्वामी बनते हैं वो कार्तिकीय बनते हैं। सप्तमी के दिन सूर्य, सप्तमी के स्वामी सूर्य हो जाते हैं। अष्टमी के शिव, नवमी के दुर्गा, दसवीं के काल, एकादशी के विश्वदेवा, द्वादशी के विष्णु, आपने सुना होगा द्वादशी एकादशी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण द्वादशी होता है जिस दिन एकादशी का पारण होता है, और उसके बाद त्रयोदशी जिसके स्वामी कामदेव बनते हैं, चतुर्दशी के स्वामी फिर शिव बन जाते हैं और अमावस्या के स्वामी पितर बन जाते हैं। पितर यानी हमारे पूर्वज जो हमें छोड़ के चले गए और अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। तो ये तो रही थी, इसके बारे में भी हम एक बार और विस्तार से जानेंगे, अभी मैं सिर्फ आपका परिचय करा रहा हूं और इस कार्यक्रम में हमने सिर्फ ये जानने का प्रयास किया है कि तिथि एक्चुअल बढ़ती कैसे है। जैसे जैसे चंद्रमा अपनी गति निरंतर बढ़ाता है या बढ़ता है, जैसे जैसे वो चाल चलता है, वैसे वैसे हर 12 अंश के साथ वो एक तिथि को पीछे छोड़ता है, हर एक तिथि को पीछे छोड़ते जाता है। और जैसे एक 0 से शुरू किया 12 बढ़ा तो वो हो गया प्रथमा, फिर 12 से 24 हुआ तो वो हो गया द्वितीया, फिर 24 से 36 में गया तो हो गया तृतीया। तो इस तरह से जब वो 180 घूम जाता है तो उस दिन पूर्णिमा हो जाती है, मतलब वो रात जो होगी उस दिन सारी रात चंद्रमा हम पे अपनी छटा बिखेरता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है तिथियों का निर्धारण होता है। भारतीय पंचांग पद्धति जो है वो तिथियों पे ही निर्धारण करती है अपना, किसी भी जातक का जन्म होता है उसमें तिथि को ही सबसे पहले देखा जाता है कि चंद्रमा उस दिन, मतलब उस दिन कौन सी तिथि बीत रही थी, ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा जब, अब जैसे देखिए पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णिमा के दिन ही आसमान से जो शक्तियां हैं सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की, तीनों की शक्तियां मिलकर के
ज्वार भाटा उत्पन्न करती है। तो अब ये सोचने वाली बात है, उस विशाल सागर पे जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की शक्तियां काम, मतलब वो तीनों जो हैं सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां मिलकर के पृथ्वी के जल को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो ज्वार भाटा बनता है। तो या हम मनुष्य की क्या है, हम पे भी वो प्रभाव डालती है और इसका बहुत बेहतरीन प्रभाव पड़ता है। अगर आप मानसिक कभी कभी परेशान हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा को देखना आवश्यक है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो मानसिक विक्षिप्तता का कारण बनता है। आपकी चंद्रमा अगर कमजोर रहेंगे तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, मतलब आप मन से परेशान रहने वाले हैं या परेशान रहते होंगे। इसी के साथ आशा है आपको यह कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं और बता देता हूं। सबसे पहले हमने तिथि को जाना, जो तिथि के हिसाब से तिथि भी कही जाती है और मिति भी कही जाती है, दोनों एक ही चीजें हैं। तिथि का निर्धारण कैसे होता है मैंने बताया, चंद्रमा जो है हर 12 कला पे 12 हंस पे जैसे जैसे वो बीतते जाता है तिथियां परिवर्तित होते जाती हैं, और उसके बाद 180 पे जैसे ही आता है वो पूर्णिमा को प्राप्त कर चुका होता है, मतलब उस दिन जो है पूर्णमासी का चांद होता है। और उसके बाद हमने विभिन्न तिथियों के स्वामियों को जाना है। आगे कल किसी दूसरे विषय के साथ उपस्थित होंगे आपके सामने, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइए। जल्दी जल्दी अगर हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे तो हम जल्दी ही अपने पाठ्यक्रम में आ जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि हम जिस चीज पे आना चाहते हो उसमें विलंब हो जाए। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि क्रमशः हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए, और कल तक के लिए इजाजत दीजिए, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।